हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसके प्रीवियस हमने देखा था एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 कैसे सॉल्व करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, जहां पे हमें स्टेटमेंट लिखना है बट इफ देन नहीं आना चाहिए। तो यहां पे इफ देन है, तो एक प्रॉपर्टीज होती है उसमें क्या होता है, जो आपका इफ देन होता है मीन्स वॉट, अगर पी इम्प्लाइज क्यू है तो ये सिमिलर होता है निगेशन ऑफ पी और क्यू के। अगर आप ट्रुथ टेबल सॉल्व करोगे तो यहाँ पर ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों के जो आंसर आएंगे वो दोनों आंसर क्या होंगे, सेम होंगे मीन्स वोट ये इक्वल होता है। इस प्रॉपर्टी यूज करके ये दो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये आपके सॉल्यूशन का पार्ट नहीं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहाँ पे लेट, तो यहाँ पे पी क्या हमारा इफ देन के बीच में क्या है, मैन इज जज, तो मैन इज जज, ये क्या हमारा स्टेटमेंट पी है। क्यू स्टेटमेंट क्या है, ही इज Honest, ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें क्या करना है कि इफ देन का यूज नहीं करना है मीन्स वॉट, हमें यहाँ पे दिया है पी इम्प्लाइज क्यू तो किसके सिमिलर होंगे, निगेशन ऑफ पी और क्यू के इक्वल होगा। तो मीन्स वॉट इफ देन नहीं आना चाहिए तो उसके प्लेस पे निगेशन पी और क्यू आएगा तो भी हमारा आंसर राइट होगा। तो डैट इज, तो इसका आंसर हम लोग कैसे लिख सकते हैं, निगेशन पी, तो मैन इज जज है, यहाँ पे निगेशन तो नॉट की एंट्री होगी, तो मैन इज नॉट जज और क्योंकि हमारा ही इज ऑनेस्ट, तो ही इज ऑनेस्ट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, तो यहाँ पे भी इफ देन है, इफ के पहले क्या, ये हमारा पी का पार्ट है, तो यहाँ पे पी क्या है, 2 इज अ रैशनल नंबर, 2 इज अ रैशनल नंबर, और हमारा क्यू क्या है, रूट 2 इज इरेशनल, रूट 2 इज इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, पी इम्प्लाइज क्यू मीन्स इफ देन का यूज नहीं करना है। तो पी इम्प्लाइज क्यू ये किसके सिमिलर होता है, निगेशन ऑफ पी और क्यू के सिमिलर होता है। तो डैट इज निगेशन ऑफ पी मीन्स वोट, यहाँ पे नॉट की एंट्री होगी, तो 2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, 2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, और ये और का सिंबल है क्यों, क्या है, रूट टू इज इरेशनल, रूट टू इज इरेशनल नंबर। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन में 3 को कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है एफ एक्स इक्वल टू 2 देन एफ एक्स इज डिविजिबल बाय एक्स माइनस 2। तो यहाँ पे इफ देन का यूज नहीं करना है। तो लेट, यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट पी क्या होगा, एफ ऑफ 2 इक्वल्स टू 0, एंड स्टेटमेंट क्यू क्या होगा, एफ एक्स जो भी फंक्शन है इज डिविजिबल बाय एक्स माइनस 2। तो यहाँ पे एक्स माइनस मीन्स वॉट, पी इम्प्लाइज क्यू का यूज नहीं करना है, तो पी इम्प्लाइज क्यू किसके सिमिलर होगा, निगेशन ऑफ पी और क्यू के इक्वल होगा। तो डैट इज, तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, पी पे निगेशन लेना है, तो पी क्या है, एफ ऑफ 2 इक्वल्स टू 0, तो निगेशन आएगा, तो पी ऑफ एक्स इज नॉट, सॉरी, एफ ऑफ टू इज नॉट इक्वल टू 0, और क्यों क्या है, एफ एक्स इज डिविजिबल बाय, एफ एक्स इज डिविजिबल बाय एक्स माइनस 2। तो यहाँ पे हुआ इफ देन का यूज नहीं करके हमको स्टेटमेंट कैसे लिखना है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको 1 मार्क में आ सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हो वहाँ पर हम देखेंगे विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल सम्स को कैसे सॉल्व करते हैं, मीन्स वहाँ पे हम लोग अलजेब्रा और स्टेटमेंट को यूज करेंगे, अलजेब्रा स्टेटमेंट कैसे याद करना, उसकी क्या टेक्निक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।